सीधा 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 बस 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 बस। अरे नहीं भाई, अरे जय हिंद दोस्तों। क्या कभी तुमने कुछ ऐसा करने के बारे में सोचा जिसके बाद लोग तुमको देख के बोले, पर उसका फायदा ये मिला हो कि जो कल तक तुमको पड़ोसी वाले भी नहीं जानते थे वो आज एमी वेसर के एमएनएम तक हर कोई जानता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले कुछ ऐसे जोश से भरे रंगीले बंदरों के बारे में जिन्होंने आज तक बीटेक्स लगाना नहीं सीखा। पर एक चीज बता दूं, ये मजबूर हैं पर आप नहीं। हम इन्हीं में से कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको रातों रात मुकेश से ज्यादा फेम मिल गया। तो बिना किसी देरी के लेट्स रोल द इंट्रो। इसमें पहले नंबर पे आते हैं गजेंद्र वर्मा। ये बंदा सिंगर, कंपोजर और लिरिसिस्ट है। इसका सुनहरा पिटारा खुला 2008 में जब इसने सॉन्ग निकाला एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस को सुन के इतना दुख नहीं हुआ जितना इसकी बैक स्टोरी को सुन के हुआ था कि एक आईआईटी स्टूडेंट ने सुसाइड किया और मरने से पहले उसने ये गाना गाया था। और इस बैक स्टोरी ने जितना अच्छा तुम्हारा काटा उतना अच्छा तो तुम्हारी एक्स ने भी नहीं काटा होगा, क्योंकि ये स्टोरी जो थी वो फेक थी। और उस टाइम पे तो जियो भी नहीं था, पर फिर भी यूट्यूब में इसको 40 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया, जिसको सुन के पब्लिक छाती पीट पीट कर रोती थी और जिसको सुनने के बाद अरिजीत सिंह ने कहा, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं। वेल, भाई का गाना तगड़ा चला था फेक स्टोरी के साथ। और बाद में भाई ने दूसरा सॉन्ग किया इसमें तेरा घाटा, और इस सॉन्ग को 450 मिलियन व्यूज से भी ज्यादा मिले थे, जिसको सुन के छोटे छोटे बच्चे जिनको प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब नहीं पता वो अपनी बंदियों के साथ घाटा और फायदा करने में लगे थे। भाई भाई वो पता नहीं भाभी क्यों रो रही थी। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता ज्यादा। आई लव यू। क्या फायदा, दो हफ्ते बाद तू भी छोड़ के चली जाएगी। इसमें तेरा घाटा। खैर आगे बढ़ते हैं जहाँ पे आती है। ये एक ऐसी लड़की है जिसने अच्छे से अच्छे सख्त लौंडे को पिघला के मूम बना दिया था। 2008 में इनका एक सीन था एक मूवी का जो कि तगड़ा वाला फेमस हुआ। शी इज नन अदर देन प्रिया प्रकाश वरियर। इन्होंने उस वीडियो में ऐसी आंख मारी जो कि फेमस हो गई कश्मीर टू कन्याकुमारी। सख्त लौंडो पर भारी पड़ी है नारी, फिर कुछ चला हो ना चला हो पर इसका करियर बन गया फरारी। हालांकि जो सीन फेमस हुआ था वो ओरू अदार लव मूवी का था। इसके बाद इनको इतना फेम मिला, इतना फेमस हुई है कि काम की कमी इनको कभी नहीं पड़ी। खैर नेक्स्ट आती है एक और नारी जिसके गाने सुन के पगला गई है दुनिया सारी। इनका गाना सुन के मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सबने एक ही चीज कहा, बंद करो हाथ जोड़ के मैं। शी इज नन अदर देन ढिंचक पूजा, जिनका गाना सुन के सबका कान सूझा। 2015 में इनका एक सॉन्ग आया था जिसका नाम था स्वैग वाली टोपी। उस टोपी में कितना स्वैग था ये तो नहीं पता, पर इनके गाने में इतना स्वैग था कि लोगों को जियान ज्यादा पसंद आने लगा था। पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसके सलमान भाई होते हैं। जी हाँ, सलमान भाई ने इनको बिग बॉस में आमंत्रित किया था। पर कहते हैं ना, बंदर जितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, तो ये कहां सुधरने वाली थी। और इनका कंटेंट क्रिंज नहीं है, वो है क्रिंज इनटू 100। पर ये इंडिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जब लोगों के पास फोकट का डेटा और टाइम हो तो यहाँ पे कोई भी फेमस हो सकता है। और ढिंचक पूजा जी आज भी गाने बनाती रहती हैं और सबका मन बहलाती रहती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। वेल, सब एक जैसे नहीं होते, कुछ के पास सच का टैलेंट भी होता है। जैसे हमारे डांसिंग अंकल, जिन्होंने अपने डांसिंग स्किल से पूरे देश को हिला के रख दिया था। ये एक प्रोफेसर है बाबा यूनिवर्सिटी के जो कि भोपाल में है। और एक बार ये एक शादी अटेंड करने गए थे ग्वालियर में, जहाँ पे संगीत सेरेमनी में जो इन्होंने खुदगर्ज सॉन्ग पे अपना जलवा दिखाया है उसके बाद तो सब बौखला गए। इनकी डांसिंग वीडियो इतनी ज्यादा फेमस हुई कि खुद गोविंदा जी ने इनकी वीडियो पे रिएक्ट किया और बाद में गोविंदा और सलमान भाई दोनों इनसे मिले, जिसके बाद ये रातों रात सेलिब्रिटी बन गए। रवीना टंडन, दिव्या दत्ता और यहाँ तक कि खुद एमपी के सीएम हमारे मामा जी ने भी इस पे रिएक्ट किया और इनकी खूब तारीफ की। यार देखो, काम करो तो ऐसा करो, नहीं तो जिंदा तो समझ रहे हो आप। खैर जाने दो। तो नेक्स्ट आते हैं हमारी लिस्ट में, इनका क्या ही कहना, ये किसी को नहीं मानते अपनी बहना। जब भी कोई प्लेबॉय होता है हताश तो उसको इसके सॉन्ग सुनाए जाते हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश। समझ रहे हो, ये वही बंदा है जिसके सॉन्ग का नाम था शॉट। और इनका जो शॉर्ट गाना था वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ और बहुत सारी जगहों में इनका जो सॉन्ग है वो हर जगह बजने लगा था। इसके बाद भाई ने इंडियन आइडल में भी पार्टिसिपेट किया था, हालांकि निकाल दिए गए थे। पर इस बंदे का शॉर्ट सॉन्ग जो है वो इतना ज्यादा फेमस हुआ कि लोग हेट भी करने लगे इस सॉन्ग से, क्योंकि ये बहुत जगह से गलत भी था। बाद में रफ्तार भाई ने भी इसका सपोर्ट किया और कहा कि ये हो जाता है कभी कभी, पर हो सकता है कि अगली बार ये कुछ मीनिंगफुल सॉन्ग बनाए। पर नहीं, ये कभी नहीं सुधरा और ये आज भी ऐसे गाने बनाता है। सुल्तान, अबे रुक, ए सुल्तान, ए क्या कर रहा है, अबे क्या लगता है, अबे लग रहा है, छोड़। आगे आती है, सुनाई नहीं दे रहा।
Yes, ये वो औरत है जिसके पास आवाज के साथ साथ टैलेंट भी था, पर सुनने के लिए ऑडियंस नहीं। इनकी एक वीडियो फेमस हुई थी जहाँ पे ये स्टेशन में गाया करती थी, और वो वीडियो इतनी ज्यादा फेमस हुई कि हमारे हिमेश रेशमिया, जिनके सॉन्ग सुन के बचपन में हम सब झूमते थे, उन्होंने इनको एक मौका दिया और इसके साथ एक गाना बनाया जिसका नाम था तेरी मेरी कहानी। और वो गाना इतना ज्यादा फेमस हुआ कि हर जगह वही सॉन्ग छा गया था, टीवी पे, मोबाइल पे, कॉलेज पे, बगल वाले घर पे, बाथरूम में, हर जगह, जिसने इनके करियर को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पर ये हमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताती है कि कभी भी अपने ड्रीम्स पर गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्रीम्स कभी भी पूरे किए जा सकते हैं। एंड फॉर दैट सैल्यूट टू हर। खुशी ना सच में दिल से किसी को भी अच्छा बना सकती है। दिस इज वॉट हैपेंड। जब एक जोमेटो राइडर का एक इंटरव्यू लिया गया, और ये इंटरव्यू जो है वो एक वीडियो के फॉर्म में टिकटॉक में डाला गया। जी हाँ, इनका शुभ नाम था सोनू। सच बता रहा हूँ यार, सोनू नाम के ना बहुत ही अच्छे हैं। इनकी वो स्माइल वाली वीडियो पे पूरा सोशल मीडिया पगला गया था। फिर नर हो या नारी, इनकी स्माइल पड़ी सब पर भारी। फिर जोमेटो ने भी अपने ट्विटर हैंडल को यूज करते हुए इसकी पब्लिसिटी दबा के गई, और पुणे पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने भी इसको अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया था। इनडायरेक्टली भाई रातों रात स्टार बन गया, और भाई को पता भी नहीं चला। वो तो जिसने वीडियो बनाई थी उसने शेयर किया इनसे कि ये फेमस हो चुके हैं। पर कुछ भी कहो यार, लाखों की स्माइल थी भाई की। नेक्स्ट है विकास पाठक। जब भी कोई देश की इज्जत को तोड़े मोड़े, इन्होंने कहा निकल, ऑल्सो नोन एज हिंदुस्तानी भाऊ। जय हिंद दोस्तों। भाऊ जाने जाते हैं अपनी एग्रेसिव टॉकिंग स्टाइल के कारण। इनका स्टाइल बहुत हद तक संजू बाबा से मिलता है। ये अपनी वीडियो में उन लोगों को ज्यादा टारगेट करते हैं जो देश के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। वैसे भाऊ पहले रिपोर्टर थे दक्ष पुलिस टाइम्स में, और भाऊ को बेस्ट क्राइम रिपोर्टर का अवार्ड भी मिल चुका है 2011 में। भाऊ को लगभग हिंदुस्तान में हर कोई जानता है। भाऊ जितने कड़क है ना बोलने में, उतने ही दिल से नरम है, क्योंकि भाऊ का खुद का एक एनजीओ चलता है, आदित्य युवा प्रतिष्ठम। भाऊ 2019 में बिग बॉस 13 में भी पार्टिसिपेट किए थे, और भाऊ ने वहाँ पे एक भी गाली नहीं दी, जिसको देख के पूरी पब्लिक बोली मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। पर भाऊ आज भी यूट्यूब में वीडियोस बनाते रहते हैं, और सोशल मीडिया में भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। रुको जरा, पंद्रह जुलाई को एक वीडियो आई थी स्ले पॉइंट नाम के एक यूट्यूब चैनल पे, जिसमें एक हादसा हुआ, और वहां से उजागर हुआ एक नाम। इन्होंने कमेंट बॉक्स पे कमेंट किया था विनोद, और वो वीडियो ऐसी कमेंट्स को रोकने के लिए बनी थी, वो ही ट्रिगर बना विनोद और इसकी सोई हुई फैन फॉलोइंग को जगाने का। फिर क्या, चाहे वो कैरी हो या प्यूडीपाई, कोई इंडियन हो या अंग्रेज, यहाँ तक कि पेटीएम भी, नेटफ्लिक्स भी, और महाराष्ट्र पुलिस भी। एक मिनट, पहले तुम जाके केस सॉल्व करो। हर कोई विनोद के नारे लगाने लगा, और आज भी जनता इसके सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। विश्वास नहीं होता तो नीचे कमेंट बॉक्स पे देख लो, पर आज भी नहीं जानता कि कौन है ये विनोद। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए बातूनी चैनल को, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, कमेंट भी करके जाना। पर भाई विनोद नहीं यार, अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा, आशी, बाय। I wanna love you every day.